आज हर व्यक्ति कंफ्यूज है, वो समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। कभी तो वो दुखी हो रहा, हाय सारे FN मतलब स्टॉक मार्केट के हर सेगमेंट पे टैक्स बढ़ गया, हाय हम लुट गए। इसकी डिटेल में चर्चा की मैंने आज की वीडियो में, कुछ कहने यार वो जो सुन रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो नहीं हुआ। तो लोग कंफ्यूज हैं कि हंसें या रोएं। आपको क्या लग रहा है, आप हंस रहे हो या रो रहे हो कमेंट में लिख दो, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, मन मेरा भी कहते हैं आज मैं बेचैन हूँ, आज मैं बेचैन हूँ, खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार ही को लग रहा है यार टैक्स बढ़ गया है, पहले भी टैक्स इतना दे रहे थे अब और देना पड़ेगा, चलो दे देंगे। दूसरी तरफ लग रहा है यार अच्छा है, वो लोग कह रहे थे ये बंद हो जाएगा वो हो जाएगा तरीका हो जाएगा, उतना तो नहीं हुआ। तो क्लैरिटी नहीं है। तो भाई आज बेचैनी है। आज की वीडियो में मैंने इस चीज़ को बड़े डिटेल में डिस्कस किया है, लोग क्या फील कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। जहाँ तक मेरी फीलिंग है, मैं तो भाई ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं टेकर हूँ मेकर नहीं। तो लिख डालिए कमेंट डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाज़ार में FNO की बारीकियाँ और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ? अगर हाँ तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोस के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर खरीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीच कर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है, तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। वो है ना जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो बजट आ गया डार्लिंग, बजट ने हमको रुला डाला है भाई, चारों तरफ से लगा डाला है। तो ज़्यादातर लोग ये गाना गा रहे हैं आज। कारण क्या है? क्योंकि सारे तरह के टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, शेयर मार्केट के लोगों पे सरकार का प्यार उमड़ आया है। तो जब प्यार उमड़ता है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं होती है। तो खूब प्यार उमड़ा है और खूब निचोड़ा है। LTCG 10 से 12.5%, STCG 15 से 20%, STT ऑन FNO लगभग डबल। अब बहुत अच्छे पूछ रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट तो क्लियर है कि जो लोग शेयर्स बेचेंगे लॉन्ग टर्म वाले, उनका 2.5% टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म वाले 5% टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। ये हर कोई समझ पा रहा है। STT का समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अभी चेक किया था एक ऑर्डर डाल के अपने ऐप में, तो मैं एक लॉट का ऑर्डर डाल रहा था, एक सिंपल सा ऑर्डर था। हालांकि हर लॉट का स्ट्राइक प्राइस अलग होता है, क्वान्टिटी अलग होता है, अलग अलग आएगा, पर मोटा मोटा मैं एक ऑर्डर डाल के देखा तो 20 रुपये आ रहा था मेरा ब्रोकरेज और 12.5-13 रुपये आ रहा था STT। यानी कि अब STT डबल हो गया तो 25 हो जाएगा।
अब जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत सारे लॉट्स एक साथ खरीदते हैं और दो दो तीन तीन रुपए के प्रॉफिट पे बेच देते हैं, आठ आठ आने के प्रॉफिट भी बेच देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स कहते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो ये 100 लॉट इकट्ठे खरीदते हैं तो ब्रोकरेज तो 20 ही रहती है, पर ऑर्डर सेम है, पर वो 25 है, तो 100 लॉट अगर वो खरीदेंगे तो 25 × 100 2,500 रुपये उनका स्टडी बन जाएगा। तो फिर उनको देखना पड़ेगा ना कि हमें, समझ रहे हो क्या, उनके प्रॉफिट मार्जिन पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं। तो जैसा माना जा रहा है लोग एक्सपायरी डे पे एक एक दो दो रुपये के ऑर्डर्स पे बड़ा काम करते हैं, एक एक रुपये पे काम करते हैं, उनको दिक्कत आएगी जो बहुत बल्क वॉल्यूम में काम करते हैं। तो ये तो उसका सारा कहानी है। अब चिंता ये है कि मार्केट के लोग इसके प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस दिन बजट आता है उस दिन सही अंदाज़ा लगाना। तो इसलिए मैं वेट करता था कि मेरा FIs का डेटा आ जाए, मेरा FIs से थोड़ा पता चलेगा। तो आज क्या हुआ, FIs ने खुल कर हर सेगमेंट में बिकवाली करी। मुझे लगता है उनकी उम्मीदों के हिसाब से बजट नहीं आया। लगभग 3,000 करोड़ की कैश सेगमेंट में, 3660 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर और 6,200 करोड़ के आसपास स्टॉक फ्यूचर, कुल मिला के 13,000 करोड़ से थोड़ी कम नेट बिकवाली कर गए। इसके अगेंस्ट FIs ने सिर्फ 1,418 करोड़ के कैश सेगमेंट में माल खरीदा, तो कुल मिला के 1,550 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली आई कैश सेगमेंट। तो मामला तो गमगीन हो गया, फ्लक्चुएशन भी भारी थी। अगर आज आप देखेंगे, आज रेंज देखिए, नीचे में 2474, ऊपर में 24582, लगभग 500 पॉइंट का वेरिएशन देखने को मिला। और अपने पीक से कंपेयर करेंगे तो लगभग बाजार अपने पीक से 800 पॉइंट की करेक्शन दिखा चुका है। तो मामला ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे आज जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे थे इंडेक्स के अंदर, 165 का था, नेगेटिव वालों का 187 था, कुल मिलाकर 22 पॉइंट के आसपास बाजार में गिरावट देखने को मिली। मेरे ख्याल ऊपर वाली एवरेज के हिसाब से 24,480 के लपेटे में बाजार बंद हुआ 30 पॉइंट गिरकर 0.12% की गिरावट के साथ। कल 24,509 पे बंद हुआ था, आज गैप अप ओपनिंग की थी, शुरू में खूब मूड माहौल अच्छा था, हाई बना रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर गिर गया। हालांकि रिकवरी भी जल्दी हो गई, वहीं उस लेवल पे आके ही अल्टीमेटली उसने कैच कर लिया। तो अब समझ में नहीं आ रहा, कई बार क्या होता है बजट के बाद ना उसका इम्पैक्ट 2-3 दिन में आता है। अब क्या कल और परसों खड़ी है एक्सपायरी, कल निफ्टी बैंक की, परसों पूरे स्टॉक्स की एक्सपायरी है, तो कल और परसों का दिन मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी भरा होना चाहिए। अब दो तरह से बजट को आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, मार्केट में से एक बार क्या था, एक बच्चा था छोटा, उसने कुछ गलती कर दी, तो उसकी मम्मी ने कहा भैया आज पापा इसकी पिटाई लगाएंगे, ये खूब रोएगा। तो उसने सोचा कुछ ऐसा करूँ कि बच्चे की रोए ना, बच्चा पिटाई भी खा ले और रोए ना। तो मम्मी ने क्या करा, बच्चे को डराना शुरू कर दिया, तेरे पापा आएंगे, तूने ये क्या कर दिया, वो तेरी डंडे से पिटाई करेंगे, मोटा वाला डंडा पड़ा है, बैट है क्रिकेट का, उससे मारेंगे, विकटों से मारेंगे, तेरी हड्डी टूट जाएगी, तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। बच्चा बड़ा घबरा गया, भाई सब ये क्या हो गया, हो सकता है तेरे सारे बाल भी उतार दें, गंजा कर दें, चड्डी पहन के तेरे को खूब मारें, और उसके बाद जो बखात में बहुत बड़ी गलती करी है। अब बच्चा वैसे थर थर काँपने लग गया, भाई साहब यार ये क्या होगा मेरे साथ, तो क्या हो जाएगा। पापा आए, पापा को पता चला बच्चे ने गलती करी, पापा ने 4 तमाचे लगा दिए उसके, 2 इस गाल पे 2 उस गाल पे। बच्चा बड़ा खुश, कहता मैं तो बच गया। मतलब समझे, अगर वैसे माँ कुछ नहीं करती, उसके 4 तमाचे में लगते तो बच्चा खूब रोता, हाय मार डाला, हाय मार डाला, पर माँ ने इतना डरा दिया, तेरी हड्डी तोड़ देंगे, तेरे गंजा कर देंगे, तेरे को चड्डी बना के घर से बाहर निकाल देंगे, पिटाई लगा देंगे। तो बच्चे को लगा मेरे साथ तो वैसे आजकल तो क्या हो जाएगा। उसके जब 4 चाटे लगे तो 4 चाटे उसको अच्छे लगने लग गए कि मैं बच गया। वही हाल यहाँ रहा, मार्केट में इतना फैला हुआ था, भाई साहब LTCG शायद ख़त्म ही ना हो जाए, अगर ख़त्म नहीं होगा तो 25% हो जाएगा, कोई कहता है 20% हो जाएगा, STCG तो पक्का ख़त्म हो जाएगा, FNO की इनकम को नॉन स्पेकुलेटिव से स्पेकुलेटिव में डाल देंगे, लॉटरी इनकम बना देंगे, क्रिप्टो की इतना टैक्स लगेगा, इतना डरा दिया। उसके बाद मतलब लगा लोगों को डंडे पड़ेंगे, हड्डियाँ टूटेंगी, उसके बाद 4-5 चाटे लग गए, हर जगह टैक्स बढ़ गया, तो लोगों को लग रहा है यार शायद ठीक ही हो गया। तो कई लोग कह रहे हैं भैया ये तो ठीक ही है। तो ये सारा ना एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का वो होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत बुरी हो जाए और रियलिटी बुरी हो तो भी अच्छी लगने लगती है।
एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी हो, रियलिटी अच्छी हो तो बहुत बुरी लगती है। तो आज वो हुआ है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन गिरा दी, हर आदमी को डरा दिया, लोगों की पेंटिंग गीली हो गई, रात को सूसू निकल रहा था, लोग घबरा रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, मुझसे लोग इतना पूछते थे सर क्या होगा, एफ एन ओ बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमने नौकरी छोड़ दी, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करें, हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा, रेडी लगाएंगे केले एक कहता मैं तो विदेश चला जाऊँगा इतना डरे हुए थे लोग कि यार ये तो हमारा काम धंधा ही बंद हो गया, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, रेडी लगानी पड़ेगी हम उनका टैक्स उड़ा दी तो सांस ले रहे, चलो कोई बात नहीं यार, एफ एन ओ तो नहीं बंद हुआ, काम तो चल ही जाएगा। तो उसके चलते मुझे लगता है बाजार में रिकवरी आ गई, जब लोगों को लगा नहीं पहले यहाँ पर लोगों को लगा डंडे लगेंगे डंडे लगेंगे, यहाँ लोगों नहीं डंडे नहीं लगे सिर्फ चाटे लगे, इसलिए बाजार ऊपर चढ़ गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बाजार ने आज खूब तमाशा किया। अब समस्या ये है कि अगले दो दिन कैसे बीतेंगे। मैंने एक पोल किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे करें। टेलीग्राम पे यार बहुत फेक चैनल बने, पैसे वैसे मांगते हैं टिप्स देने के लिए मेरे नाम से, मेरी फोटो लगा के, तो प्लीज़ उन लोगों से सावधान रहें, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो मैंने पोल कंडक्ट किया, मैंने कहा बाजार में क्या लग रहा है, तो मात्र 30% लोगों ने कहा कि बाजार 25,000 से ऊपर जाएगा, 25% लोग कह रहे हैं 2425 के बीच में रहेगा, अब 45% लोग कह रहे हैं 24,000 के नीचे जाएगा। यानी कहीं ना कहीं लोग घबरा गए, और कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो सब लोग बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, हाय लूट गए, हाय मर गए, इतना टैक्स लग गया। एक लिखता है कि भाई साहब अब जो है गरीब आदमी वैसे तो कमा नहीं पाता, मिडिल क्लास का उसको कमाने नहीं देते, अगर वो गलती से कमा लेते हैं तो उस पर टैक्स लगा देते हैं कि तू कमा कैसे रहे। अब ये कैसे लिख रहा है, दूसरा कह रहा है भैया मैं तो वोट दिया था आगे से नहीं दूंगा मैंने कहा यार लोगों के मन में बड़ी बुराई है। अब प्रैक्टिकली मेरे से पूछोगे मेरे क्या विचार है, अभी मेरे को भी इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन ठीक है मैं ज़्यादा ना सोचता नहीं हूँ, मैं टेकर हूँ, मेकर तो हूँ नहीं, तो मैं तो अब इसी में रास्ता निकाल लूँगा। अब जो टैक्स तो पहले भी मैं बहुत ज़्यादा टैक्स देता था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स देता हूँ, शुरू से मेरी इनकम पे ज़्यादा जब भी था मैंने टैक्स दिया है ईमानदारी से। मैं कहता हूँ ठीक है अब टैक्स दो, अपना माइंड फ्री रहता। पर देखो आप पूछोगे सर दुख है, दुख तो है यार थोड़ा, मेरे को दुख नहीं है, देखो अब और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा उदास तो है मन, पर ठीक है अब क्या कर सकता हूँ। पर यह है कि अब और मेहनत करूँगा भाई, अब क्या करूँगा, और नई स्ट्रेटजी बनाऊँगा, और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि जो टैक्स देना है वो और बाजार से निकाल पाऊँ। तो मैं यही सोच रहा था और मेहनत करूँगा भैया, क्या करें, और नई स्ट्रेटजी लगाऊंगा, नई चीज़ें सोचूंगा, और ख़तरे लूँगा भैया, मैं यही करूँगा और क्या करूँगा। तो अब जो है वो तो हम टेकर ही है, मेकर तो है नहीं। तो ये सारी जो कहानी है ना आज की, ये है समरी। अब पीछे बच्चे कहते सर आप टैक्स में क्या होगा बता नहीं रहे हो, कुछ बताते नहीं, टैक्स का विश्लेषण नहीं करते, इसीलिए नहीं बता रहा। अभी मेरे बताने से क्या होता है, टैक्स में क्या होगा उसी दिन पता चलता है। इसलिए मैं ज़्यादा इनकम टैक्स की बात नहीं करता, मैं तैयारी करके बैठा था कि भैया बाजार गिर गया तो संभाल लो। आज बाजार गिरा काफ़ी बीच में, पर संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो इलेक्शन डे वाला तो नहीं गिरा, वहाँ तो चला एक दिन में बहुत गिर दिया था, 10% के आसपास लगाने को आ गए थे। अगर 10% भी गिरता तो मैं संभाल लेता, मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ। तो मैं तो यार मान के चलता हूँ कुछ भी वर्स्ट हो सकता है। तो ये जो बाजार की आज कहानी है वो ये है, FIs नाराज है, उन्होंने खूब माल बेचा है, रिटेल निवेशक तो बड़ा नाराज है, मिडिल क्लास तो बहुत नाराज है, मिडिल क्लास कह रहा है हम तो लुट गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ वहाँ कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, इस वीडियो के नीचे लिखो ना कमेंट, पता चल जाएगा आपको क्या लग रहा है, आपका बजट का बारे में क्या फीलिंग है, अपने विचार बताइए आपको कैसा लग रहा है बजट के बारे में, कमेंट में जरूर लिखना डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये तो थी आज की जो स्टोरी मैंने आपको मोटी मोटी बताई, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। जो दो दिन है बड़े खतरनाक है, क्योंकि अगर लोगों ने बहुत शॉर्ट कर दिया आज तो दो दिन बाजार भाग जाएगा, भले बाद में गिर जाए खूब, और अगर लोगों ने अभी लॉन्ग करी है शॉर्ट नहीं करी तो दो दिन भगा देंगे। अब क्या होगा, अब ये करीब, क्योंकि जैसे बजट की न्यूज आया ना टैक्स, ये टैक्स बढ़ गया, वो टैक्स बढ़ गया, लोगों ने बड़े शॉर्ट किए और बड़े सौदे काटे, तो अब ये ना अब तो कल ही पता चलेगा। तो भैया तो अब वही है भाई, इंतज़ार था इस घड़ी का, बस ये तसल्ली है कि चलो एक काम तो क्लियर हुआ। देखो ग्रीड काफ़ी नीचे आ गया, 60 पे आ गया, हालांकि बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं गिरा ग्रीड। अब अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स देखो तो ये तो फेवरेबल ही है थोड़ा, इसको तो हम फेवरेबल ही कहेंगे, US डॉलर इंडेक्स को 105 के नीचे है, ये भी क्रूड अभी थोड़ा नीचे है, रुपया आज और कमज़ोर हो गया, रुपया आज लाइफ टाइम वीकेस्ट पॉइंट पे आ गया, इससे नीचे कभी नहीं गिरा, 83.7 अभी तक कभी नहीं आया, देख लो आप, है ना, सबसे ज़्यादा वीक है, और इवन 10-year ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ गई है।
एफएनओ वाले क्या काम करेंगे समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस छोड़ के उन्होंने इसको बिजनेस अपना लिया था। एक तरफ कहा जा रहा है कि मार्जिन मनी बढ़ा दिया जाएगा, एक तरफ कहा जा रहा है कि लोगों को डिस्करेज किया जाएगा, एक तरफ कहा जा रहा है कि अब देखो तो मैं एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पास तो डेटा है नहीं, सरकार ज़्यादा समझदार है, मैं तो मान के चलता हूँ। मैं तो सरकार की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी तो पूरी बड़ी इज्जत है, बड़ी रिस्पेक्ट है, मैं कर भी कुछ नहीं सकता इसके अलावा। तो अब उनके पास डेटा है, वो ठीक ही कर रहे होंगे, मैं तो यही सोचता हूँ। लेकिन यार ओवरऑल जो माहौल है ना वो ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं अब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब मैं तो यही दिक्कत के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं मार्जिन बिल्कुल बढ़ गया, पता नहीं क्या हो गया साला, इतना मार्जिन कभी यूज़ ही नहीं हुआ, बिल्कुल ख़त्म होने को होता है मार्जिन, फिर नया मार्जिन अरेंज करना पड़ता है। अब ये दो दिन निकले हैं तो चैन की सांस लें, बाकी करेंगे भी अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे। तो ये तो सारी कहानी हो गई इसकी। अब आप आ जाइए इंडेक्स फ्यूचर, क्योंकि अब इन्होंने बेच दिया ना काफ़ी हर सेगमेंट में, तो इंडेक्स फ्यूचर भी अब इसकी ठीक हो गई है 73, स्टॉक फ्यूचर भी रीजनेबली हो गया। अब पता नहीं कल फिर पलटी मार लें, ये भी बजट को समझेंगे। एक्चुअली भी बजट के इम्पैक्ट्स ना आने वाले वक्त बताते, सेम डे पता नहीं चलता है। ऊपर से वो प्रॉपर्टी पे लगा दिया, आज तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, एक आदमी का फ़ोन आया, कहते भाई साहब मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, क्या हो गया भाई साहब? कहते जी मेरे को तो, मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं सोचा था प्रॉपर्टी बेच के मैं करा लूँगा, अपना गुजारा चलाऊँगा, अब तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। मैं टैक्स तो पहले भी लगता था, पर कह रहे हैं ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा वो तो डिपेंड करता है, पहले 20% था इंडेक्सेशन के साथ, अब 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन, तो आपको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। तो अब कहने का मतलब कहीं ना हर आदमी इस पर गुखलाया हुआ है, तो समझ मेरे भी कुछ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अब सारे इंडाइसिस आज गिरे हुए थे, हालांकि ये लेवल्स हुए हैं जब बाजार रिकवर हो गया। अब रिकवर क्यों हुआ, कल मारने के लिए हुआ है या कल भागने के लिए हुआ, ये तो कल ही पता चलेगा। पर मैं एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि खतरा बहुत है। हालांकि इंडिया फिक्स गिर गया धड़ाम से आज 20% और 12.5% हो गया। अब देखो यार कल परसों तक चलेगा क्या बाजार में, तो अब सब क्या इसमें मैं गिनूँ कौन ज़्यादा गिरा है, 1% के लपेटे में सारे गिरे हैं। सबसे ज़्यादा तो निफ्टी बैंक ही गिरा है, और बैंक तो चल ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो गया। आज 933 शेयर चढ़े हुए थे, 1410 गिरे, तो हालांकि 933 भी आज चढ़े हुए थे मैं उसको अच्छे ही मानता हूँ। टाइटन कंपनी में आग लग गई, सोने पर ड्यूटी कम कर दी ना, तो सोना 5000 तोले सस्ता हो जाएगा, तो टाइटन भाग गया। ITC तो गोली हो गया, ITC में देखा बजट के दौरान भागते भागता है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी भागा, इसका राइट्स इशू अनाउंस हो गया 27 तारीख, एक्स डेट है जुलाई, और उसके बाद राइट्स इशू 5 अगस्त को खुल जाएगा। टोरेंट फार्मा हो गया। अब मरने वालों में सबसे आगे मन्नापुरम, चंबल, मुथूत, पावर फाइनेंस, इनकी तो बत्ती बच गई, इनको तो नंगा कर दिया सबको। गोल्ड के प्राइस गिरे तो शायद मन्नापुरम और मुथूत फाइनेंस का इसका एडवर्स इफेक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा गिरे, क्या बोले ये बता दिया। अब इस पे आ जाओ, भाग रहे थे आज टाइटन सबसे आगे था, फिर ITC, टाटा कंज्यूमर, अदानी, NTPC, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी लैब, ये भाग रहे थे। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा श्रीराम फाइनेंस, लार्सन, हिंडालको, बजाज फाइनेंस, ONGC, SBI, एक्सिस बैंक, ये सब सफा चट थे। अब चार्ज में कैंडल ने भैया आज देखो बड़े दिनों बाद यहाँ से देखिए अभी तक बजट से इलेक्शन से आज तक इसने मिडल बोलिंजर बैंड ने तोड़ा था, आज इसने मिडल बोलिंजर बैंड को तोड़ दिया है, और इसने जो सुपर ट्रेंड की बॉटम को भी टच किया। और अगर देखेंगे लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड के मिड तक आ गई थी कैंडल, तो आज की जो कैंडल है वो ख़राब ही है। हालांकि नीचे की वीक लंबी ये दर्शाती है कि बाजार काफ़ी गिरा था पर बुल्स ने संभाल लिया, पर अब वो कल क्या करेंगे वो कल ही पता चलेगा। MACD चार्ट पे भी मामला ख़राब है, MACD क्रॉसओवर जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है, और RSI अभी भी गुड है, 60 से ऊपर है इसलिए गुड है। तो ओवरऑल टेक्निकली चार्ट तो इस वक्त ख़राब है, मैं इसको अच्छा तो नहीं कह सकता। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करता हूँ, 2 दिन ही है इसकी एक्सपायरी में, जिसके चलते बाजार 24500 के लपेटे में, मतलब 24500 पे आ जाते हैं। कॉल राइटिंग बहुत बड़ी है, पुट राइटिंग भी बड़ी है, और यही मैक्सिमम पेन है। तो अब 24500 पे दोनों पार्टियां आंखों में आंखें डाल लड़ने को हैं तैयार, कर दांगे पंगा वाली बात ज़्यादा दिख रही है। देखो PCR बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, 0.77, अब तो ये भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड ही, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं।
अब अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे भाई साहब निफ्टी बैंक की तो लंका लग गई, 52,280 पे बंद हुआ था, 52,511 पे खुला, यानी ऊपर ही खुला, फिर शुरू में ठीक रहा, पीक बनाया आज का 52,547 का, फिर ये मर गया, फिर चढ़ा फिर मर गया, फिर चढ़ा फिर मर गया, अल्टीमेटली ये लगभग 1% गिरकर 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ और इसने बॉटम यहाँ बनाया था लगभग 51,352 का, पीक शुरुआती दौर में बना लिया था 52,547 का। अगर इसका आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 1200 पॉइंट का, यानी निफ्टी बैंक 1200 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया आज, तो निफ्टी बैंक की तो ज़्यादा लंका लगी। फेडरल बैंक भाग रहा था, इनका जो नया MD अपॉइंट हुआ है ना, जो पहले ज्वाइंट MD थे इसमें शायद कोटक बैंक में, तो ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसकी वजह से ये भागा हुआ था। कोटक भी भाग गया, कोटक इसलिए भाग गया कि MD चला गया, फेडरल इसलिए भाग गया कि MD वो वाला आ गया, ये दोनों ही खुश हैं। मैं क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा है दोनों ही खुश हो गए, जहाँ से छोड़ा वो भी चढ़ गया, जहाँ ज्वाइन किया वो भी चढ़ गया, अजीब बात है। एनीवे, तो अब बाकी सब गिरे हुए थे, इंडसइंड बैंक का तो पजामा फटा हुआ है इस वक्त, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC सब की लंका लगी हुई है, मतलब दौड़ा दौड़ा के मारे। मैं क्या बोलूँ यार, दौड़ा दौड़ा के मारा है। इसका तो कैंडल बिल्कुल ही कंसोलिडेशन कर रहा था, नीचे की तरफ मुड़ गया, RSI 50 के नीचे आ गए, गड़बड़ है। MACD भी बड़ा स्ट्रांग हो गया, देखो यहाँ तो खराब है, कैंडल देखो आज कैंडल लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे बंद हुई है, देखिए कैंडल यहाँ बंद हुई, ये आपका लोअर बोलिंजर बैंड और कैंडल यहाँ बंद हुई उसके नीचे और यहाँ तक पहुँच गई थी। तो भैया निफ्टी बैंक में तो खतरा महसूस हो रहा है। अब इसकी कल एक्सपायरी है, अब 51,778 का बाजार है तो 52,000 पकड़ लो, 52,000 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग थोड़ी बढ़ी है और यही मैक्सिमम पेन है, तो अब स्ट्रगल तो है यहाँ पर। और PCR से पता चलेगा, थोड़ा PCR अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है, PCR काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, गिरता ही जा रहा है। और मैंने यहाँ प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से, प्रभु की कृपा से आज एक ही ट्रेड किया था, एक स्क्वायर ऑफ का, जिसमें एक पैसे से ऊपर का प्रॉफिट हो गया। मैंने एक फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी लगाई, 2 फ्यूचर बाय किए, 1 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किया, 4 एग्रेसिव पुट बेची, 3 एग्रेसिव कॉल बेची, 6 सेफ पुट बेची, 1 सेफ कॉल बेची, 16 बार स्टॉक्स को खरीदा। मैं कंफ्यूज हो गया आज, बजट सुनने में लगा हुआ था, बीच में मार्केट अचानक गिरी हुई देखा ना, थोड़ी देर के लिए गिरी थी, मैं ट्रेड ही ज़्यादा नहीं कर पाया, ऊपर से मार्जिन प्रेशर भी था आज, मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इलेक्शन वाले दिन मैंने दबा के काम किया, एक्चुअली इलेक्शन वाले दिन कुछ समझने को नहीं था, सिर्फ ये देखना था टोटल सीटें कितनी, आज टैक्स कब आएगा, ये आएगा, ऊपर से ना मैडम रिटर्न भर रहे थे, वो टैक्स बता रही है मैडम, इसे OTP मांग रहे हैं भाई, से मैं कंफ्यूज हो गया, तो माइंड ना पजल सा हो गया, तो आज मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाया, बाकी बड़े अच्छे अच्छे मौके आए थे आज। मैडम दुखी हैं, क्या कर सकते हैं, जो अब वक्त निकल गया, वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको वापस नहीं ला सकते। एनीवेज ठीक है, प्रभु की यही इच्छा होगी, प्रभु जो कराते हैं अच्छा ही कराते हैं। टाटा कम्युनिकेशन 4 लॉट थे मैंने स्क्वायर ऑफ कर डाले 3.5 रुपये, हालांकि बाद में 185 पैसे का हो गया और इसमें मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया, 4 लॉट थे, मैंने कहा यार ये चढ़ तो रहा नहीं, इसका साला कॉल कल भाग जाए तो इसको स्क्वायर ऑफ ही कर दो। तो भैया ये है सारी, देखो मैं आपको अपने वीडियोज़ और डेमोज द्वारा यही सिखाता हूँ रिस्क मैनेजमेंट करना, अब कितना बड़ा रिस्क सर पे खड़ा था, तो मैंने कल ही अपनी पूरी तैयारी कर दी थी। कल की वीडियो बच्चे कहते बजट की बात नहीं है, बजट की क्या बात करूँ, मुझे क्या पता बजट में आएगा क्या, अब आ गया तो तैयारी काम कर गई, कोई दिक्कत नहीं आई, बाजार गिरा तो काफ़ी था पर दिक्कत नहीं आई। तो अगर आप सीखना चाहें, मैं टिप्स नहीं देता, बाय सेल रिकमेंडेशन कोई नहीं देता, कोई मांगे तो मैं मना कर देता हूँ, भैया अपने रिस्क कैपिटाइट से ट्रेड करो, मत ही करो ज़्यादा अच्छा, पहले सीख लो। अगर आप सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, 70 11 323 077 70 11 323 077 पर मेरी टीम को कॉल करिए, समझा, या यूट्यूब पर मेंबरशिप सेक्शन में ज्वाइन करिए और डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे ज्वाइन करिए या मेरी टीम को कॉल करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ।
चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।